जेके नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भाग्यश्री मोरे, मुंबई। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना वायरस का कहर निरंतर जारी है और पिछले 24 घंटों में 303 इससे संक्रमित हुए और 5 की इसने जान ले ली। महाराष्ट्र पुलिस के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बल्कि अब तक कुल 13,180 कर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 1,387 अधिकारी और 11,793 सिपाही है, बल्कि कुल संक्रमितों में से 10,655 ने कोरोना को शिक्षा दे दी है। कोरोना को मात देने वालों में 1,060 अधिकारी और 9,255 कर्मी है। कुल सक्रिय 2,379 मामलों में 313 अधिकारी और 2,076 कर्मी है, बल्कि अब तक 136 कर्मियों की कोरोना से जान जा चुकी है, जिसमें 14 अधिकारी और 122 पुरुष कर्मी शामिल है। वहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC ने पृथकवास संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है और मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास के तहत इस सप्ताह से 50 साल से अधिक उम्र के सभी COVID-19 रोगियों के लिए संस्थागत पृथकवास अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार 50 साल से अधिक उम्र के सभी COVID-19 रोगियों को COVID-19 देखरेख केंद्र में रखा जाना चाहिए, चाहे उन्हें बीमारी के लक्षण हो या नहीं, या फिर उन्हें पहले से ही कोई बीमारी हो या नहीं। BMC ने संशोधित दिशा निर्देशों में कहा कि ऐसे रोगियों को गृह पृथकवास में नहीं रखा जाना चाहिए। नगर निकाय के अनुसार यह निर्णय महानगर में COVID-19 संबंधी मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से लिया गया है। एक विश्लेषण के अनुसार 50 से 60 साल तक की उम्र के मरीजों में मृत्यु दर काफी अधिक है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गृह पृथकवास में 50 साल के उम्र के केवल उन्हें मरीजों को रखा जाना चाहिए जिनमें लक्षण या तो हल्के हो या फिर उनमें बीमारी के लक्षण हो ही नहीं।